हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे करंट सोर्सिंग एंड करंट सिंकिंग लॉजिक की। देखिए, इसमें क्या होता है कि अगर हम लॉजिक कैटेगरीज को, लॉजिक फैमिली को हम कैटेगराइज करें, ठीक है, और किस बेस पे कैटेगराइज करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम द आउटपुट ऑफ वन लॉजिक सर्किट टू द इनपुट ऑफ अदर। तो उस पर बेस्ड अगर हम इसको कैटेगराइज करेंगे तो इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। इसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। वन इज कॉल्ड करंट सोर्सिंग एंड करंट सिंकिंग लॉजिक। लॉजिक फैमिलीज कैन बी कैटेगराइज डिपेंडिंग अपॉन द फ्लो ऑफ करेंट फ्रॉम द आउटपुट ऑफ वन लॉजिक सर्किट्स टू द इनपुट ऑफ अनदर। करेंट सोर्सिंग एंड करेंट सिंकिंग लॉजिक गेट्स, ठीक है, कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डायग्राम। अब आप इसमें क्या कीजिए कि जैसे मान लीजिए, पहले आप करेंट सोर्सिंग की हम लोग बात करते हैं। तो सपोज कीजिए हम एक डायग्राम बनाते हैं, फिर हम आपको एक्सप्लेन करते हैं करेंट सोर्सिंग क्या होता है। से ये आपने बनाया, मान लीजिए ये हो गया प्लस का 5 वोल्ट, ठीक। इसके साथ आपने ये एक ट्रांजिस्टर लगा दिया, ठीक है। उसके बाद ये एक डायोड, ठीक है, और फिर यहाँ के पे फिर दूसरा ट्रांजिस्टर आपने लगाया इस तरह, और ये हो गया ग्राउंडेड। इस तरह ऐसे यहाँ पे आप दिखाएंगे तो मान लीजिए ये हो गया। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ से आपने एक टर्मिनल निकाला, ठीक, ये गए, और यहाँ पे एक और ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, और इस तरह, और इसका जो बेस है वो ये रेजिस्टेंस के थ्रू आपने ये कनेक्ट कर दिया इस तरह। ये हो गया प्लस 5 वोल्ट पे, ये भी है, ठीक है। अब जो ट्रांजिस्टर, मान लीजिए सपोज कीजिए ये 130 ओम का रेजिस्टेंस है, ये ट्रांजिस्टर हो गया हमारा Q3, ये ट्रांजिस्टर हो गया Q4, और ये ट्रांजिस्टर हो गया हमारा Q1, ठीक है। और ये आपका NPN ट्रांजिस्टर, ये आपने एरो लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो तकरीबन होगा 2.4 से लेकर और 3.9 वोल्ट तक, और इसमें जो करंट फ्लो करेगी इधर से या जो आएगी वो आएगी तकरीबन 40 माइक्रो एम्पियर। इसका मतलब क्या हुआ कि मोर देन 2 वोल्ट इज हाई इनपुट। तो यहाँ पे 2 वोल्ट से ज़्यादा जो आपने लगाया है वोल्टेज, तो इट इंडिकेट्स मोर देन 2 वोल्ट इज हाई इनपुट, ठीक है। तो ये एक सर्किट डायग्राम हो गया किस चीज का, करंट सोर्सिंग का। अब इसमें देखिए क्या होता है कि व्हेन ए स्टैंडर्ड टीटीएल गेट आउटपुट इज हाई, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आपका ये ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक है, तो अगर कोई स्टैंडर्ड टीटीएल गेट है और उसका आउटपुट हाई है, ए रिवर्स एमिटर करंट ऑफ 40 मिली एम्पियर फ्लोज फ्रॉम ट्रांजिस्टर Q3 ऑफ ड्राइवर गेट टू द एमिटर ऑफ ट्रांजिस्टर Q1 ऑफ लोड गेट। तो देखिए इसमें क्या है, ये जो है आपका, इसको हम दूसरे से दिखाते हैं, ये क्या है, ये जो ट्रांजिस्टर है आपका, ये है ए रिवर्स एमिटर करंट ऑफ 40 मिली एम्पियर, ठीक है। तो ये माइक्रो की बजाय आप इसको लिख सकते हैं दिस इज मिली एम्पियर, ठीक है।
एक करंट आपकी फ्लो करेगी, और कहाँ से फ्लो करेगी? फ्रॉम ट्रांजिस्टर Q1 ऑफ ड्राइवर गेट टू द एमीटर ऑफ ट्रांजिस्टर Q1 ऑफ लोड गेट। तो एक करंट फ्लो करेगी यहाँ से और इसके ड्राइवर गेट की तरफ। तो इसमें क्या होता है कि Q, इसमें जो Q3 होता है, ए रिवर्स एमिटर करंट ऑफ 40 मिली एम्पियर फ्लोज फ्रॉम ट्रांजिस्टर Q3। तो यहाँ से ये देखिए, ये करंट आ रही है, ये फ्लो करेगी Q3 से, और कहाँ फ्लो करेगी? टू द एमिटर ऑफ ट्रांजिस्टर Q1 ऑफ लोड गेट। तो ये एक तरह से आपका हो गया लोड गेट, और ये जो Q3 है ये हो गया आपका ड्राइवर गेट। दिस इज ड्राइवर गेट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें Q3 एक्ट एज ए करंट सोर्स। तो इसमें जो ट्रांजिस्टर Q3 है, यहाँ पे Q3 एक्ट्स एज ए करंट सोर्स, ठीक। तो इसको बोलते हैं करंट सोर्सिंग लॉजिक, ठीक। अब सिमिलरली करंट सिंकिंग लॉजिक में जब आप आएंगे तो दोबारा से आपको सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं करंट सिंकिंग लॉजिक। तो करंट सिंकिंग में क्या होगा, मान लीजिए हमने फिर से ये एक सप्लाई ले लिया प्लस का 5 वोल्ट का, ठीक। फिर हमने ये ट्रांजिस्टर लगाया, बिल्कुल सर्किट डायग्राम जैसे अभी हमने ड्रॉ किया था। ये डायोड हो गया, डायोड के बाद ये दूसरा ट्रांजिस्टर यहाँ लग गया, और ये आपका ग्राउंडेड हो गया, ठीक। ये यहाँ से इस पे लाके बेस में हमने कर दिया, ऐसे यहाँ से ये कनेक्ट है इससे, और ये कनेक्ट है इससे। ये मान लीजिए आपका 130 ओम हुआ, ठीक है। ये Q3, ये Q4, और यहाँ से जो आप टर्मिनल जोड़ेंगे, तो यहाँ से आप लाए, इसको आपने जोड़ दिया दूसरे ट्रांजिस्टर से यहाँ पे इस तरह, और ये भी हो गया आपका प्लस का 5 वोल्ट, 4 किलो ओम। ये हो गया आपका 1.6 मिली एम्पियर, ठीक है। यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा ये आएगा 0 से लेकर और 0.4 वोल्ट तक, ठीक है। और यहाँ पे जो वोल्टेज होगा, अगर वो लेस देन से हमने लिखा लेस देन 0.8 वोल्ट, 0.8 वोल्ट इज लो इनपुट। तो ये क्या होगा, ये आपका लो इनपुट होगा। अब इसमें क्या होता है कि देखिए, ये जो सर्किट डायग्राम बन गया, ये हो गया आपका करंट सिंकिंग लॉजिक, ठीक है। करंट सिंकिंग लॉजिक में क्या होता है कि व्हेन ए स्टैंडर्ड TTL गेट आउटपुट इज लो। अब ये जो स्टैंडर्ड TTL गेट है, इसका आउटपुट क्या है, ये लो है। तो क्या होगा, एन एमीटर करंट ऑफ 1.6 मिली एम्पियर फ्लोज फ्रॉम द एमीटर ऑफ ट्रांजिस्टर Q1। तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, ये है Q1। इससे एक 1.6 मिली एम्पियर की करंट फ्लो करती है इसके एमीटर से, ट्रांजिस्टर Q1 ऑफ लोड गेट। तो अभी जैसे हमने लिखा था, ये जो Q1 क्या क्या है, Q1 है लोड गेट। तो यहाँ से 1.6 मिली एम्पियर की करंट फ्लो करेगी, और कहाँ फ्लो करेगी, टू द कलेक्टर ऑफ ट्रांजिस्टर Q4 ऑफ ड्राइवर गेट। तो यहाँ से ये इसके कलेक्टर में Q4, यानी यहाँ पे ये है ड्राइवर गेट। देखिए, करंट सोर्सिंग में Q3 था ड्राइवर गेट, यहाँ पे Q4 है ड्राइवर गेट। तो एक करंट आपकी फ्लो करेगी Q1 के एमीटर से, इसको आप मार कर दीजिए ऐसे, ठीक है, और ये जाएगी ड्राइवर गेट के कलेक्टर पे, एंड Q4 इज द ड्राइवर गेट। एज Q4 इज सैचुरेटेड, करंट फ्लोज थ्रू इट टू द ग्राउंड। अब Q4 जब सैचुरेट हो जाएगा, तो जो करंट आएगी वो ऐसे ग्राउंड में चली जाएगी।
एंड हेंस क्यू फोर एक्ट एज ए करेंट सिंक। तो इस तरह जो भी एक्सेस करेंट है वो मान लीजिए आपकी आएगी, और एक बार जैसे मान लीजिए करेंट इस तरह आई और ये सैचुरेट हो जाएगा तो करेंट जो है ऐसे जाके ग्राउंड में चली जाएगी। तो क्यू फोर जो है आपका क्यू फोर एक्ट एज ए करेंट सिंक। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि इस वजह से यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर क्यू फोर है एक्ट एज ए करेंट सिंक। और जबकि करेंट सोर्सिंग लॉजिक में आपने देखा था क्यू थ्री जो है एक्ट कर रहा था एज ए करेंट सोर्स। तो जो करेंट सिंकिंग सोर्सिंग एंड करेंट सिंकिंग लॉजिक होती है लॉजिक फैमिलीज में, तो डिपेंडिंग अपॉन दिस क्राइटेरिया दे कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज वेदर दिस इज ए करेंट सोर्सिंग लॉजिक और करेंट सिंकिंग लॉजिक। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट्स या कन्फ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, क्योंकि अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जो है जो डिफरेंट हमारे पास RTL, DTL, RCTL ये सब जो लॉजिक फैमिलीज हैं उसको वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कॉन्टेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।